हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टुम्पस किचन एंड ब्लॉग। तो देखिए, छेना कट गया है। हमेशा ही हम लोगों का घर में दूध फट जाता है तो हम लोग छेने कर लेकर बहुत परेशानी में पड़ते हैं। तो इसमें परेशानी का हल ढूंढ लिया है मैंने। तो देखिए, ये वाला रेसिपी आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा ही घी डाल दिया है मैंने, एक चम्मच, और उसमें डाल दिया है मैंने छेना, और उसमें दे दिया है, घर में ही रहता है बतासे, दो चार डाल दिया, और दे दिया है इलायची पाउडर। बस इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे जब तक कि इसका घी ना निकल जाए और ये सूखा सूखा ड्राई ना हो जाए। तो बस हो गया है फाइनली। चलो, तो इसमें और कुछ नहीं डालना है, एकदम छेने सॉलिड छेने का घर में बना लीजिए संदेश। और इसमें मैंने डाल दिया एक चम्मच पाउडर दूध। पाउडर मिल्क पाउडर से क्या होता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और आसानी से बाइंडिंग भी हो जाता है। देखिए गाइस, कितना सुंदर हो गया। बाज़ार में हम लोग मिठाई ख़रीदने जाते हैं, बहुत दाम लेता है, तो आप लोग घर में बन गया है, बना लीजिए ये वाला रेसिपी। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, मैंने इसको जमा के रख दिया था, ठंडा होने के बाद ऐसा कट कर लेंगे। तो देखिए, होममेड मिठाई तैयार गाइस। कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और एकदम सॉलिड, कोई इसमें मिलावटी नहीं है। तो छेना जब भी घर में हो जाए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो होममेड मिठाई बना लीजिए छेने का, इसका नाम है कालाकांत। आप लोग जाते हैं दुकान में तो मिल ही जाता है ये वाला रेसिपी। हम लोग घर में पूजा के लिए भी संदेश बना सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत ही टेस्टी है, क्या बताएगा इस लाजवाब।